किचन में स्वागत है। आज कढ़ी पकौड़ी का रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना हमने एक कप बेसन लिए हैं, डाल देते हैं। हाफ चम्मच सादा नमक ले रहे हैं, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन जीरा का पेस्ट है, डाल देते हैं। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा प्याज का कटी काट के रखे हैं छोटे छोटे पीस में, डाल देते हैं। एक कप पानी डाल रहे हैं, रसे रख देते हैं। अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। देखिए अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, पानी में डालकर देखते हैं। देखिए ऊपर तैरने लगा है, इसका मतलब अच्छी तरह से पकौड़ी बन। ऑयल गर्म हो गया है, बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको दूसरी तरफ पलटते हैं। जैसे ब्राउन हो गया है, पकौड़ी को निकाल देते हैं। हमने ऑयल में खड़ा जीरा हाफ चम्मच डाल रहे हैं, दो हरी मिर्ची, छोटे छोटे पीस में प्याज को काट लिए हैं, प्याज कटा हुआ डाल रहे हैं। अच्छी तरह से चला देते हैं। लहसुन अदरक जीरा का पेस्ट है, एक चम्मच डाल रहे हैं। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। अच्छी तरह से चला देते हैं। हमने बेसन में एक कप दही डाल रहे हैं, पानी डाल देते हैं। ये बेसन का पानी ही है, घोल बनाए कुछ डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला देते हैं। हमने 3 कप पानी डाले थे, 1 कप इसमें बेसन है, 1 कप दही। अच्छी तरह से चला लिए हैं, डाल देते हैं मसाले में। अच्छी तरह से चला देते हैं। चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अच्छी तरह से खौलाते हैं, गाढ़ी होने तक पकाएंगे। अच्छी से गाढ़ी हो गया है, अब इसमें पकौड़ी डाल देते हैं। अच्छी से चला देते हैं। घी डाल रहे हैं, थोड़ा सा खड़ा धनिया, 2 लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता। देखिए कितना अच्छा बना है,